मैं हिमा सक्सेना आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और माफ़ी चाहते हैं हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हुई है और इसी वजह से थोड़ा सा विलंबन हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो उसके लिए हम सब माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम टाइम से प्रोग्राम शुरू कर सकें। हमारे बहुत सारे जो माननीय हमारे गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं मुदित अग्रवाल जी के लिए चाहूँगी ज़ोरदार तालियां। हमारे बीच स्पेशल गेस्ट, हमारे वीआईपी गेस्ट, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली कांग्रेस कमेटी के, प्लीज़ एक बार आप खड़े हो जाएंगे तो पता लग जाएगा कि हमारे बीच मुदित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच गरिमा बंसल जी, हमारी वीआईपी गेस्ट, हमारी स्पेशल गेस्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चांदनी चौक ऑफ विधानसभा डिस्ट्रिक्ट। और हमारे बीच एक और मेहमान, एक और हमारी वीआईपी गेस्ट मौजूद हैं, मज़हर हसन साहब, स्पेशल गेस्ट, वाइस प्रेसिडेंट कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेहमानों ने, अब सभी ने आना शुरू कर दिया है। एक और गेस्ट हमारे बीच, शाकिर अंसारी जी, स्पेशल गेस्ट, वीआईपी गेस्ट, मेंबर माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सभी से मैं गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि तालियाँ ज़रूर बजनी चाहिए, क्योंकि अभी इनकी बारी है, अगले पल आपकी बारी होगी। तो जितनी ज़ोरदार तालियाँ होंगी, हौसला और बढ़ेगा और माहौल में और एक खुशनुमा, एक खुशबू होगी। और एक आज का ये कार्यक्रम बहुत मेहनत से तैयार किया है अली जी ने, आलीशान एंटरटेनमेंट बहुत सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आज ईश्वर भी खुश हैं अपनी तरफ से, बारिश और थोड़ा जो गर्मी का एक माहौल था वो बहुत खुशनुमा हो गया है, तो इस चीज़ को हम अदरवाइज लेते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम भी हो गया है। और मैं आप सबसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां जो हमारे वीआईपी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, शुक्रिया। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम कोई भी काम, कोई भी कार्य ईश्वरीय वंदना के बिना नहीं करते हैं, और कोई भी कार्य की शुरुआत ईश्वर की भक्ति और दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, तो थोड़ी ही देर में हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अंजू भंडारी जी, जो कि बहुत मेहनत करती हैं और इस प्रोग्राम को पूरी तरह उन्होंने संभाला हुआ है, अली जी के साथ रहती हैं और इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है इनकी, एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां अंजू जी के लिए। मैं चाहूँगी अंजू जी आप आ जाएं, मैं आपका काम संभाल लूँगी। दो शब्द आप यहाँ आएँ और शुरुआत करें। नहीं, आप शुरू करो। ठीक है, माइक एक बार ऑन कर दीजिए, ये कॉर्डलेस वाला। बोलो क्या करना है, ये ऑन कर। और हमारे कुछ परफॉर्मर हैं जो सिंगर हैं, अपने बैंड के साथ यहाँ मौजूद हैं, अगर वो आ चुके हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आकर बता दें। एक बार नितिन कुमार जी अगर यहाँ मौजूद हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ आकर हमें बता दें। आप ही, अच्छा आ चुके, हो गया, हेलो। तो
आज यहाँ आलिशान एंटरटेनमेंट की तरफ से एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन अली जी ने उन्हें मौका दिया है। उनके हुनर को, उनके कार्यों को देखते हुए, सराहना करते हुए आज के इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग साथ साथ तालियों से ही साथ दे सकते हैं, तो आई थिंक उसमें कंजूसी ना करें और सभी के लिए ज़रूर हौसला बढ़ाते रहें। तो चलिए, इंतज़ार का वक्त ख़त्म करते हैं और आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे सारे जितने भी माननीय गेस्ट हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगी आज की दीप प्रज्वलन के लिए। हमारे बीच शाहिद लोधी जी भी आ चुके हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार हमारे मेहमानों के लिए ज़ोरदार तालियां, और प्लीज़ आप लोग दीप प्रज्वलन के लिए आगे आ जाएं। नेहा काला जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ आप भी आएं साथ में। जो भी हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़ आ जाएं और दीप प्रज्वलन में। आई रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स कि प्लीज़ आप लोग जूते उतार दें और तब इसको जलाएं। तो आई एम सो सॉरी कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट परंपरा है और परंपरा कायम रहनी चाहिए। ईश्वर की परंपरा, हम शूज़ उतार के, जूते उतार के और बहुत ही अदब के साथ करते हैं, तो ये बरकरार रहना चाहिए। और वक्र कुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मदीव सर्वकारेषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब लग रहा है कार्यक्रम में रंग आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है हमारी इस कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी जो शाहिद जी हैं हमारे, शाहिद लोधी जी। मैं बताना चाहूंगी आप सबको, पहले वो जूते बांध लें तो उनके बारे में। उनकी सर बन गए, शुरू करें सर।
या चलिए इट्स ओके. एंड शाहिद जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि सावधान इंडिया के टीवी एक्टर हैं और दंगल फिल्म में जो लास्ट में अवार्ड दिया गया था. तो एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां हमारे बीच. इतनी ऐसी ऐसी शख्सियत मौजूद हैं तो हमारा आज का ये कार्यक्रम बेहद सफल होने वाला है. मोदी जी, गरिमा जी, आप सभी का जो भी यहाँ मौजूद हैं, अंजू जी, नेहा जी का एंड जितने भी लोग हैं, माफ़ी चाहूँगी नाम मैं नहीं जानती हूँ, तो सभी के लिए एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां. और आप सभी से मैं चाहूँगी कि दो शब्द हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ बोलें ताकि हम आगे इस कार्यक्रम को शुरुआत कर सकें. रोहित पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे वीआईपी गेस्ट, एडवोकेट, फॉर्मर एक्टिंग ऑनरेबल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. जी बिल्कुल, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंच में आपका. और मैं चाहूंगी मोदी जी आज के कार्यक्रम के लिए दो शब्द आपसे. हेलो जी, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अली साहब, अंजू जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ में शाकिर भाई का भी. देखिए मंच पे उपस्थित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित ये अवार्ड दिए जा रहे हैं समाज में जो हमारी महिलाएं हैं और बड़ा अच्छा काम जिन्होंने किया है, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए और ये देखते हुए कि उन्होंने अच्छा काम किया है, एसोसिएशन ये अवार्ड दे रही है. तो जो भी विनर्स हैं इस अवार्ड के, मैं चाहूँगा बाकी सब और जो अतिथिगण यहाँ हैं उनके लिए ज़ोरदार ताली ज़रूर बजाएँ. देखिए बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान अपने लिए काम तो करता है लेकिन अगर देखें समाज आगे कैसे बढ़ता है, समाज उन लोगों की वजह से आगे बढ़ता है जो अपने जो कार्य हैं वो तो करते ही हैं लेकिन अपने से ज़्यादा जो सामाजिक कार्य हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए कार्य करते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो डालते हैं. और अच्छा रहता है कि आप जैसी संस्थाएं जब उन लोगों को पुरस्कृत करती हैं उनका भी हौसला अफजाई होता है और जो और लोग देखते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए. देखिए अपने ने तो सब जीते हैं, मज़ा तो उस जीने का ना जो दूसरों के लिए जिया जाए. तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा जज्बा है जिसके आपने पुरस्कृत किया, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मोदी जी. और मैं चाहूँगी शाहिद जी से कि शुरुआत करें आप भी. यस वेलकम, हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग. सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आलीशान इंटरटेनमेंट ग्रुप ने मुझे ये मौका दिया और जो कि हमारे बीच एक अजीम शख्सियत हैं जनाब शाकिर अली साहब का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया. और अग्रवाल साहब और जो भी हमारे यहाँ अतिथिगण हैं उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. तो नो डाउट ये जो इस वक्त मौका है ना कि कोई अवार्ड अचीव करने का है बल्कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जैसे अभी अग्रवाल साहब ने सारी बातें अपने बहुत अच्छे अल्फाजों में बयां करी हैं कि हमें सामाजिक कार्य भी करना चाहिए, इंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, वो सभी कुछ चीज़ें हमेशा करनी चाहिए. लेकिन बावजूद इसके नाउ कम एट द राइट पॉइंट कि हम सबका यहाँ आना एक बहाना था, हम सबका यहाँ आना एक बहाना था और मसलिहत के रिश्तों को यूं ही टूट जाना था. बेजुबा हवेली को क्यों गिरा दिया तूने जालिम, शहर में परिंदों का एक यही तो ठिकाना था. सो अभी लेटेस्ट जस्ट आई कम बैक लास्ट टुडे एगो, एक आपने एक हत्याकांड सुना होगा, शबाना वेब सीरीज अभी रिलीज होने जा रही है, अभी उसका शूट चल रहा है, उसमें मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, फतेहपुर सीकरी से मैं परसों वापस आया हूँ. और एक कॉमेडी सीरीज हम लोग खुद अपनी शुरू करने जा रहे हैं जिसके प्रोड्यूसर साहब अनिल सहगल साहब, सिंगल साहब के लिए कहूँगा आप जोरदार तालियां बजाएं, हमारे बीच बैठे हैं, हम उनसे तवज्जो चाहूँगा. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. अनिल सिंगल साहब आप प्लीज तशरीफ लाएं, जो कि और एक ऐसी कॉमेडी ये सीरीज है, बहुत जल्द इसका शूट होने जा रहा है, मतलब भरपूर कॉमेडी है और एवरीबॉडी विल इंजॉय फ्रॉम दिस वेब सीरीज. और सीरीज का नाम है, टाइटल है डोंट टेक अदरवाइज, जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दीवाना तेरी बीवी का.
लोग होते ना मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो वो पर्दाफाश करने की हमने कोशिश की है दीवाना तेरी बीवी का, तो बहुत जल्दी शूट होने जा रहा है। सर ये धमाल मचाने वाली है, 100% धमाल मचाने वाली है। जी हाँ बिल्कुल धमाल है। पता नहीं, मैं अनिल सिंघल साहब प्लीज तशरीफ लाए, एक बार स्टेज पर आए आप तो प्लीज 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 एक बार जोरदार तालियां हमारे सिंघल साहब के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब। और हमारे समाज के रहनुमा जो हैं उनमें से एक हैं हमारे वकील साहब, मेरी बात से आप एहतराम ज़रूर करेंगे। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर, आज के इस प्रोग्राम में। मैं चाहूँगी दो शब्द आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स मैं बोलूँगा अली साहब को कि हर साल ये लोगों को अवार्ड देते हैं। किसी को पुरस्कृत करना, किसी को ऑनर करना मुझे लगता है कि बहुत ही पुण्य का काम है, और उन लोगों को हौसला बढ़ता है, उन लोगों का जिनमें ये क्षमता है ये दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। मुझे लगता है कि ऐसे नौजवान और ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो आने वाले जो भविष्य हैं हमारे, और वो आगे इसी प्लेटफॉर्म के लेकर के कितने आगे बढ़ने वाले हैं, ये हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो उनको अवार्ड मिलने वाला है उससे उनको कितना ऊर्जा मिलेगी, कितना उनको साहस मिलेगा। वो जिस मुकाम पे जाना चाहेंगे, वो चाहे आज इनकी शुरुआत हो या ऐसे कई कार्यक्रम में भाग ले करके उन्होंने अवार्ड जीता हो, अवार्ड एक आपको एक एनर्जी देती है, एक आपको हिम्मत देती है, एक आपको एक एक कुछ आगे अचीव करने के लिए एक बहुत रास्ते खोलती है। आज हम लोग यहाँ पे हैं और हम सारे अतिथि जो यहाँ पे हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके सामने खड़े हैं और दो बातें आपके सामने कह भी रहे हैं। ये एक मौका ऐसा है जिसे हमें सजोने के लिए हम बरसों से इतना लगन के साथ, परिश्रम के साथ काम करते हैं। आज जो हम आप एक दूसरे के सामने रूबरू हो रहे हैं, ये एक एक ऐसा खुशनुमा दिन है, एक ऐसी जगह है, इसे हमें सजो करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। यही ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आप लोगों को है, और आगे जो भी ज़रूरत हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है आलीशान एंटरटेनमेंट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के को आगे लेकर के आप सभी को आगे बढ़ना है। इसके साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। मंच पे सभी को स्वागत करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं का जो आउट ऑफ दिल्ली से आई हैं। मैं आप चारों महिलाओं को दो लाइन बोलना चाहूँगी कि महिलाएं वैसे तो बहुत मुश्किल से बाहर से निकलती हैं, पर आप लोग आए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको बाहर भी कहा था, दो लाइन आप लोगों के लिए। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, नसीब में जो लिखा है वो ज़रूर अदा होता है। इसलिए प्लीज़ आप सब मेहनत करते रहिए। बहुत बड़ी बात है कि आप कोई पटना से आए हैं, कोई कहां से आए हैं, ये हम तो दिल्ली वाले हैं, हमें तो 15 मिनट की ड्राइव करके आना था, लेकिन आप बाहर से आई हैं। और मैं एक एजुकेशन फील्ड से हूँ और हम लोगों के दो इंस्टीट्यूट चलते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगी। अगर आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट में आके कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए ये कहूँगी कि अगर पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने एरिया के पार्षद हो या कोई IAS हो, उनसे आप लेटर लिखवा के आएंगे तो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कराऊँगी। ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार। इसके अलावा मेरी अल्फा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली सरकार की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत जल्द मैं आपको दिखा दूंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली में काफ़ी कुछ कर रही है। यूनिवर्सिटी में भी अगर किसी को कुछ करना है तो आप लोग हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और वो मोहम्मद अली जिसने ये प्रोग्राम किया है
उसके थ्रू कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगी कि अगर महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, परिवार पढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं 50% होना चाहिए। क्या बोलती हैं महिलाएं? बिल्कुल, जोरदार तालियां। सबको विश यू ऑल द बेस्ट। आज के सारे अवार्डीज को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को बोलती हूँ इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। अगर कहीं सहयोग की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्प या हमारे अलावा और भी समाज में जो लोग हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अंजू जी। सच में बहुत बड़ी बात कही है और मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं या अपने बच्चों को या अपने पड़ोसी को जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो वो प्लीज़ संपर्क करें अंजू जी से। और इनकी बात सुन के मुझे सर दो लाइनें बहुत ही अहम हैं, मैं चाहूँगी तवज्जो आपकी, कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ज़ुबा पर खुदा का नाम आए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ज़ुबा पर खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और जी, और वक्त की कमी हमेशा हर एक को होती है, लेकिन हमारे VIP गेस्ट यहाँ मौजूद हैं जो बहुत ही कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आए हैं और हम उनके इस वक्त को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम चाहेंगे उनके वक्त को पकड़ के रखिए। तो सबसे पहले मैं मोदी जी के लिए कहना चाहूँगी कि आप नेहा जी आप आएँ आगे और इनका स्वागत। अली जी आप भी आ जाइए साथ में। अली जी बहुत शर्मीले और बहुत ही शाय रहते हैं, पीछे रहते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम करने की कुव्वत रखते हैं लेकिन एक शर्ट नहीं बदल पाए, एक कपड़े नहीं। माफ़ी चाहूँगी। देखिए शाही जी को देखिए कितने खूबसूरत, क्या पर्सनैलिटी है सर आपकी। सर मैं भी आना चाहूँगी उधर ही सावधान इंडिया में। आई एम ए सिंगर एंकर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड सोशल वर्कर ऑल्सो। रोटरी क्लब से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और ये सब चीज़ें शौक में हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो अवार्डी हैं, जो हमारी मेहमान हैं, गरिमा बंसल जी। लेकिन उससे पहले जब महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाएं ही ना बोलें ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगी कि गरिमा जी प्लीज़ आप अपने विचार सबके सामने। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस स्टेज पर। सब लोग अग्रवाल साहब से लेकर मुदित अग्रवाल जी से लेकर ये सब अपने विचार रख चुके हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि ये सब कुछ बोल चुके हैं अब मैं क्या बोलूं। लेकिन क्योंकि ये बात महिलाओं की है और ये कार्यक्रम महिलाओं का है और मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, कंप्लीट स्टैंड फेमिनिस्ट हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो देश है उसकी संस्कृति में शिव भी शव है अगर देवी माता का साथ ना हो। तो हमारा जो समाज है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है महिलाएं, अगर महिलाएं ना हो, हम कहते हैं कि अगर एक महिला को शिक्षित कर दो तो पूरा देश शिक्षित हो सकता है क्योंकि वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी। और मैं कहना चाहूँगी उन महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मदर्स बनती हैं, कि वो अपनी टॉटिस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनको ज़्यादा पॉजिटिवनेस के साथ रखती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती हैं, लेकिन उसका आधा भी अगर वो अपने बेटों के ब्रॉटअप में अपना टाइम इन्वेस्ट करें और उससे अच्छा ब्रॉटअप दें तो हमारे समाज में जो हम सेफ्टी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, इक्वलिटी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड बस एक पंक्ति के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप सब बोर हों ज़्यादा ये सुनकर, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे बच्चे बैठे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस भी मैं देखना चाहूँगी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इस आइडियोलॉजी पर, इस विचारधारा पर खड़े होकर जिन महिलाओं ने, जिन लोगों ने, पुरुषों ने तो करा ही, जिन महिलाओं ने स्पेशली इस कोरोना के टाइम में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो उस भयंकर समय में भी, क्रूशियल समय में भी अपने जीवन की चिंता किए बिना बाहर आई अपने घरों से। अपनी फैमिली को मनाना भी हम लोगों के लिए एक बहुत टास्क होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। तो मैं बहुत ज़्यादा
आज अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं मुदिता अग्रवाल जी के साथ सर के साथ शेयर करने का मौका तो मिला ही, साथ में मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाकर एक एज अ वुमेन आई एम फीलिंग ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू गरिमा जी. और ये आपके लिए छोटा सा तोहफा. जी मैं भी आना चाहूँगी अली जी, और जो कोई आना चाहता है प्लीज आप लोग भी आ जाइए एक साथ. रियली मुझे ये कहने में बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि प्रोफेशनली मैं डॉक्टर भी हूँ, और जब से ये कोरोना वायरस आया है कम से कम 70-80 पेशेंट जो है, खैर बचाने वाला भगवान है, मैंने उनको केयर किया है. और मुझे अभी एक अवार्ड से नवाजा गया था, DCP ईश गोयल साहब ने मुझे लास्ट ईयर नवाजा था, क्योंकि कोरोना वायरस में मैंने बहुत हेल्प की और आज भी मैं कर रहा हूँ. तो आई वॉज पोस्टेड इन सफदरजंग हॉस्पिटल इन 1989 to 1991 एंड आई लेफ्ट द जॉब, गधे को एक डॉक्टर बना दिया, इट्स फाइन. बट फ्रॉम द लास्ट 6 years आई एम कंटिन्यू ऑन शूट एज वेल एज आई एम हैविंग द ऑल्सो एक्टिंग इंस्टीट्यूट एट साउथ एक्सटेंशन. सिखाने के साथ साथ आई वुड लाइक टू टीच के हाउ यू विल इंटर्ड इन टू बॉलीवुड इंडस्ट्री थ्रू द एक्टिंग क्लासेस. मैं सिखाता भी हूँ, प्लेटफॉर्म तक बच्चों को वहाँ पहुँचा के मानता हूँ. खुद तो मैं पहुँच ही गया हूँ आपकी दुआओं से. थैंक यू. थैंक यू सर. अपना फ़ोन नंबर सभी से शेयर कर दीजिएगा. आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ आना चाहेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट अवार्डी हमारे बीच हैं, हमारे रोहित जी. स्पेशल गेस्ट, VIP गेस्ट रोहित पांडे जी. देखिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग माहौल को एक, अब माहौल में एक खुशनुमा खुशबू सी आ गई है, क्योंकि हमारी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हमारे बीच मौजूद हैं, तो इसको और इस खुशबू को बिखेर के हम तालियों से बिखेर सकते हैं अपने बीच में. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब अपनी सीट पर बैठ सकते हैं. और एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं आलीशान एंटरटेनमेंट एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स. तो चलिए इस माहौल को खुशनुमा थोड़ा सा सुरीला बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक सिंगर नितिन जी. तो मैं चाहूँगी नितिन जी स्टेज पर आएं, बहुत ज़ोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें, क्योंकि अब माहौल थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है और खुशनुमा हो जाएगा अपने संगीत से और अपनी आवाज़ से. नितिन जी हमें देखते हैं क्या लेकर आए हैं हमारे लिए. इको चेक वन चेक चेक वन वन इको 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 थोड़ा check check one
चेक वन चेक माइक वन थोड़ा सा वन चेक वन टू थ्री. हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन, आई एम फ्रॉम सोल कनेक्शन बैंड. तो सबसे पहले सर का थैंक्स, मोहम्मद सर का, जो हमारे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी. अब सबसे पहले मैं सॉन्ग गाना चाहूँगा अपनी आप सबके लिए, सबके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, मदर्स के लिए, सबकी मदर्स के लिए. ओके, शायद आपने सुना ही होगा ये सॉन्ग, मूवी फ्रॉम फटा पोस्टर निकला हीरो. माना बड़ा हूँ तन्हा खड़ा हूँ, कैसे जीऊंगा यूं जो छोड़ा. तन्हा रहो तुम, कुछ तो कहो तुम, अच्छा चलो फिर डांट लो थोड़ा, अच्छा चलो फिर डांट लो थोड़ा. जन्म जन्म ओ तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ. सह लूंगा मैं सब सह के भी, कह दूंगा ये मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ. मेरे दिल वाली मेरी माँ. Come on, one, clapping. पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मजारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माती है, मुझको नजर जब माती है. जन्म जन्म मैं तेरी अरदास माँ, जन्म जन्म रहूँ मैं तेरे पास माँ. कम ऑन, सह लूंगा मैं सब सह के भी, कह दूंगा ये मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ. मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ. बचपन से अब तक माँ से क्या सीखा, मैं ये जहाँ को बतलाऊंगा, जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा. जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास माँ, जन्म जन्म मैं तेरी अरदास माँ. इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से बहले तो मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ. मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ. थैंक यू वेरी मच. बात है नितिन जी, एक बार बहुत जोरदार तालियां इस फीलिंग के लिए, इस गीत के लिए और इस चॉइस के लिए एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नितिन की उम्र में ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स गाना पसंद करते हैं, लेकिन नितिन ने ये गीत चुना है तो मैं तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और सभी माओं के लिए एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां, शुक्रिया. Song, this song, only with the guitar. You and me, all right? All right, everyone, please sing with me. Mm-hmm.
मैं रंग शरबतों का क्या बात है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मैंने तो धीरे से नींदों के धागों से बांधा तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ आ जा हिस्से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई ना रानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई ना रानी, मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। अखियां करें जी हुजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाई दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी, रैन जगाए मन मस्त मगन, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन हो चाहे भी तो मगन, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। ओढ़ के धारी प्रीत की चार आया तेरे शहर में राजा तेरा, दुनिया जमाना झूठा वसारा, जीने मरने का वारा सांचा मेरा, शीश मेरा मुझको सुभाए तुझ संग सूखी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, हो जाए भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है आपका नितिन। मेरे साथ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, everyone, एक सॉन्ग ला, ओल्ड सॉन्ग है, साथ में गाता है वो आप सबको आता ही होगा, प्लीज सिंग विद मी एवरीवन। नितिन गाने शुरू करें अपना, इससे पहले मैं कहना चाहूंगी जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मर हैं आज के, तो वो प्लीज यहाँ बैक स्टेज आ जाएं, अगली नेक्स्ट उनकी बारी है। जितने भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं
जी नितिन, आर यू रेडी एवरीवन? या या चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, come on, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखना कभी मुड़ के राह में, ओ झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाह में, ओ जिंदगी की बपा कहे रास्ता, प्यार की झिलमिल छाओ में, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कमा यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओले ओले यो ओले ओले यो ओले ओले यो ओले यो डि 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 उ अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, एक दिन यहाँ से हमको जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, नितिन बहुत ही खुशनुमा खूबसूरत सुरीला माहौल बन गया है, और इसी को बरकरार रखते हुए अभी संगीत की बारी थी तो अब नृत्य की बारी है। हमारे बीच टी सीरीज एकेडमी से कुछ बच्चे परफॉर्मर मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर एंड टी सीरीज स्टेज वर्क में मैं एक्टिंग फैकल्टी हूँ एंड आई हैव डन मैनी बॉलीवुड मूवीज टेलीविजन शोज बहुत सारे। एक्चुअली बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, 10 साल से मैं सेलिब्रिटीज़ को भी मैनेज कर रही थी, बट विद द ग्रॉस ऑफ माई राधा रानी, विद द ग्रॉस ऑफ माई लॉर्ड कृष्णा, चिल्ड्रन्स आर वेरी क्लोज टू मी, दैट्स वाई आई गिव देम इमेंस ऑफ पावर, पॉजिटिविटी एंड blessings to my kids, and I train them in acting, dancing,
सिंगिंग बिकॉज टी सीरीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को बड़ों को सबको तैयार करके एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है. सो मैं टी सीरीज स्टेज वर्क से हूँ. आप सब ने बचपन का प्यार गाना देखा होगा, बादशाह की जितनी भी बड़ी बड़ी वीडियोज आती हैं, हनी सिंह, कौन नाम नहीं ले टी सीरीज में, मतलब हम किसका नाम लें, राइट? तो उन समय मैंने अपने बच्चों को मौका दिया है, तो वो बच्चे टी सीरीज स्टेज वर्क से आज यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. दे आर स्वीट, दे आर टैलेंटेड एंड ये लोग धमाल करने वाले हैं, और ये सब बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी विनर रह चुके हैं. सो आई वुड लव टू वेलकम नंदिनी, मान्या एंड स्वर्ण ऑन स्टेज. म्यूजिक कहाँ से? ये इसमें कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट कहाँ से आएगा इसमें? म्यूजिक प्लीज. चीजें मिसिंग हो ही जाती है, तो इसलिए प्लीज किसी का अगर रह जाए तो हम दिल से सॉरी बोलते हैं. प्लीज वेलकम मैम, आप आई उसके लिए एक बार आप धन्यवाद. एक बार आप खड़े हो जाएं तो ताकि आपको सब पहचान सके कि हमारे बीच में है. एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका. बता दी क्योंकि आपको यहाँ कोई पहचानते नहीं है, और हम सब माफ़ी चाहेंगे कि हमने आपका देर से वेलकम किया, बट दिल से स्वागत एक बार फिर से. क्या बात है, क्या बात है. एक बार फिर से वो हो जाए जरा बीच वाला. हाँ एक बार फिर से थोड़ा सा म्यूजिक के साथ. हाँ भाई, इन बच्चों के मन में ये कि तालियां नहीं बजेंगी तो उनमें जोश नहीं आएगा. ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात है. स्वर्णा इज वेरी टैलेंटेड, वो आपको कार्टविल करेगी और बोला पास. Can I touch you?
क्या बात है भाई, कमाल कमाल धमाल और बहुत शानदार, रियली बहुत मज़ा आ गया। और अंशी जी एंड नेक्स्ट हर्षुल, एक और खूबसूरत सी परफॉर्मेंस लेकर हर्षुल हमारे बीच। हमारी बीच देखते हैं क्या लेकर आ रहे हैं। स्वागत तो करो हमारा। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे ये विद द म्यूजिक, वेट विद सॉन्ग यू प्रेफर दिस विद सॉन्ग, कोई सा भी लगा दो, वो बहुत टैलेंटेड है, हर एक पे कर लेंगे, है ना। क्या बात है हर्षुल, बहुत मजा आ रहा है आपको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये आज का मंच इंडिया बेस्ट डांसर का जो एक शो आता है ना टीवी पर, आपने देखा होगा सोनी टीवी पर, बिल्कुल वही शो लग रहा है। और ये बच्चे उतने ही टैलेंटेड हैं, आई थिंक मुझे लगता है उनसे कोई कमी नहीं है इनमें। और इनको अच्छा और भी अच्छा अगर माहौल और अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो इंशाल्लाह ये वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे मुझे लगता है। क्यों शाही जी, आपका आपका सहयोग रहेगा तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये अच्छा वो जो देखिए इसकी पूरी इनकी पूरी तैयारी है इंडिया बेस्ट डांसर के उसमें जाने के लिए। क्या बात है, बताओ चक्कर तो नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। वाकई में ये तो वाकई में बिल्कुल अलग ही हुनर है इनका। कितने टाइम से आप सीख रहे हो ये बताओ? मैं अपने 8 इयर्स। 8 इयर्स, तो आप खुद कितने साल के हो अभी? 12 के हो। अच्छा मुझे लगा मतलब
Harshul सिर्फ डांसर ही नहीं है, he is an amazing actor. He has done many web series, TV shows, and the real talent को मैं ढूंढकर स्टेज परफॉर्म कराती हूँ. This is my wish, क्योंकि ये बच्चे ही भगवान का रूप है हमारे लिए. मैम आपको कुछ कहना है? प्लीज मैम कम. या तो इसी तरह से जी सर. धूप छाओ एंड आई वॉज द हीरो ऑफ द सीरियल धूप छाओ. ये टेलीकास्ट हुआ था कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर. तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी गोलियों की आवाज़ें और चारों तरफ एक बदहवासी का आलम. घर में खाने के लिए नहीं है. एक परफॉर्म करके दिखाऊं छोटा सा? मुझे याद आ गया धूप छाओ के लिए. जस्ट आई एम कमिंग देयर. मैं अंशी दीदी के लिए कहना चाहूँगा. जो अंशी दीदी है मेरी दीदी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी सबसे अच्छी दीदी है, और जो ये प्लेटफॉर्म मुझे दी है अंशी दीदी ने दिया. थैंक यू दीदी. जी नो डाउट के अभी जैसे उन्होंने टी सीरीज का नाम लिया एंड आई वॉज द हीरो ऑफ दैट सीरियल शिव महाप्राण. मैंने एक बहुत अच्छा रोल किया था राहु केतु, उनका राक्षस था मेरा. शिव महापुराण सीरियल आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा. उसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जैसे भी धूप छाओं का याद आ गया, कि मेरे पीछे मेरे राक्षस, मैं सेनापति हूँ और भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर खड़े हुए हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए मुझे जाना है. अब देखिए क्या अंदाज है. असुरों के आराध्य, भूत पिशाचों के रक्षक, विषधर नागों के त्रेता, भगवान भोलेनाथ के चरणों में राहु और राक्षसों का कोटि कोटि प्रणाम. भोलेश्वर, आपका संदेश पाकर राजा बलि का आदेश लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं. क्या देवताओं का राजा इंद्र भी आपके पास गिड़गिड़ाना आया था भोलेनाथ? इतने में क्या होता है कि एक राक्षस किसी मुनि को पकड़ कर लेकर आता है, हेलो हेलो, किसी मुनि को पकड़ कर आता है, मेरे से कुछ कहता है. मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसी बातों पर विश्वास करते हो, मैं इसे अभी तुम्हारे सामने समाप्त कर देता हूँ. इतने में नारद मुनि आते हैं, वो मेरे से कुछ कहते हैं. मैंने कहा ठीक है. दैत्य राजबली को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने के पश्चात हम शिव शंकर के दर्शन अवश्य करेंगे. तो आई प्लेड दैट रोल इन दैट एज राहु केतु. तो वो धूप छाओ जो भी कहा था मैडम, क्या है फिल्म आ रही है? ओके, मैं आपको धूप छाओ रिमाइंड कराना चाहता हूँ. एक सीरियल एंड आई वॉज दी दैट सीरियल. कश्मीर के हालात बहुत ख़राब थे और चारों तरफ बदहवासी का आलम था, खाने के लिए कुछ नहीं था. एंड आई वॉज द एल्डर सन इन द फैमिली और मेरी माँ बहन भाई सब भूखे बैठे हुए हैं. देखो तवज्जो चाहूँगा, अगर आपको इंटरेस्ट चला है तो आप सुनिएगा प्लीज़. तो सब भूखे बैठे हुए हैं और खाने के लिए कुछ भी घर में नहीं है. खैर टेंस होकर मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, झील के किनारे जाके बैठ जाता हूँ और मेरे शिकारे खामोश खड़े हुए हैं. बहुत बदहवासी का आलम है और बैठा हूँ मैं झील के किनारे और झील में पत्थर मार रहा हूँ और अक्स में अपनी फोटो देख रहा हूँ. धूप छाँव पर याद आ गया. मैडम तवज्जो चाहूँगा कि मेरे फादर पीछे से आते हैं, कहते हैं कि बशीरा क्या देख रहा है. देन आई गिव हिम द लुक. अक्स में मैं अपनी फोटो देख रहा हूँ, जिंदगी देख रहा था, भजन खुशनुमा और जिंदा दिल जिंदगी जो कभी झील की लहरों पर आबाद हुआ करती थी, और वो मेरा शिकारा जो आज खामोश लहरों के बीच चुपचाप खड़ा है. कभी मुसाफिरों को अपने दिल से लगाकर झील की इन मौजों पर धूम मचाता था अब्बा जान, अब तो चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई. अब्बा जान, आसमां पे उड़ते इक्का दुक्का परिंदे, झील और तरह दरख्तों की कतारे, अब्बा जान क्या मेरी कश्ती मुसाफिरों को अपने दिल से लगाकर झील की मौजों पर अब कभी सैर नहीं करेंगे. बजान क्या दिन थे बजान, किस कदर खुशियों की मोतियों से भरा हुआ था इस झील का घर बजान. लाइक दैट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. टू गिव द टाइम मी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे. थैंक यू अर्जी, थैंक यू. एंड अब बारी है एक और परफॉर्मेंस की. सो नाउ आई वुड लव टू वेलकम अमोघ बंसल, सागर
and Summer on stage. Make some noise, guys. Five, six, seven, and go. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4. इस दिन डांस क्या लगता है सर उसको मोच आ गई है? नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, उठने की ट्राई कर। हाँ गुड। मुझे लगता है मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, तुम दोनों ही कर लेना। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों का भी रह जाए। नहीं भाई करेंगे तो सारे साथ में करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। आम का अचार धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, मोड़ता मरोड़ता है हार सिला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूं मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। अमोक, आपने देखा टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। इन बच्चों ने डांस भी किया और एक्ट भी किया, और एज अ टीचर मेरे लिए एक ही वर्ड है, गॉड ब्लेस यू। नो डाउट आपकी मेहनत सबको नजर आ रही है, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। एंड आई वुड टू लव यू नो उनके जो कोरियोग्राफर है, एक बार आप ही आ जाइए, मैं सबको स्टेज देती हूँ, ठीक है ना, जो भी इन्हें सिखाते हैं। तो दैट इज माई वर्क बींग अ कास्टिंग डायरेक्टर, हमारी जॉब है सबको प्रमोट करना। wow. तो जिसने जो काम किया है उसका अप्रिसिएशन उसको मिलना चाहिए। सो एंड द मदर ऑल्सो, पेरेंट्स को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि माँ बाप के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। योर नेम पायल, वेरी गुड, वेल डन पायल, गॉड ब्लेस यू। अब नन्ही नन्ही छोटी छोटी परियां, जैसे बाबुल के आंगन में नन्हे नन्हे पैर रखते हैं ना, तो बिना छोटे छोटे पैरों के कोई भी काम, कोई भी शगुन
नहीं होता है, तो शगुन करने छोटी छोटी परियां स्टेज पर आ रही हैं। सबसे पहली परी का नाम है और जो सबसे छोटी है कियारा, वो अपने पापा को कह रही है पापा देखना। और दूसरी परी बेलिसा और एक और परी है जिसका नाम है नव्या मेहता। एंजल्स जल्दी से आ जाओ। मैडम ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आप एक टीचर के साथ साथ माशाल्लाह एक बहुत अच्छी एंकर भी हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हैं। गॉड ब्लेस। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो ये परियां हमारे साथ हैं, अब हम इनको पोजीशन देते हैं। आओ लिटिल बेबी कम। सो स्वीट बड़े बड़े प्यारे बच्चे। Are you ready? क्या आपको ये परियां लग रही है ना छोटी छोटी? No doubt. तो ये शगुन करेंगी। God bless you. Music. चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो। देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां चलो चलो नए ख्वाब बुन ले। बात है, ऐसे लग रहा है इन बच्चों को देखकर एक नई ऊर्जा और एक माहौल में एक बहुत ही खूबसूरत वेव। आपका क्या नाम है? क्या?
क्यारा दुराती। दोबारा से बोलो। क्यारा दुराती। समझ नहीं आया सर को। क्यारा। क्यारा। ये यही नाम है ना? क्या बात है। और आपका बेटा? बेलिसा। और आपका? नव्या। एक बार बहुत जोरदार तालियां इन तीनों तीनों परियों के लिए। वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डांस किया है। थैंक्स कहना चाहूंगी अंशी जी को। इन तीनों बच्चों ने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी बिकॉज ऑफ कोरोना। ये बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि ये छोटे हैं और हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते थे। इनको मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पे साथ साथ कराया और इन्होंने कल दोपहर में ही प्रैक्टिस की बस एक वीडियो कॉल पे और सीधा स्टेज पर आ गए। तो दैट्स व्हाई आई कॉल देम लिटिल एंजल। दिस गेट गोज टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एंड अंजू जी कुछ कहना चाहेंगी? प्रोग्राम में आए हुए सभी अतिथिगण का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मिस डॉक्टर पार्थो जी का मैं आप स्वागत करती हूँ। सर आप डॉक्यूमेंट साइन करने लाए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज इनके और हमारे बीच में। डॉक्टर आर्या आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ सर आप ऊपर आ जाइए। डॉक्टर अरुण चौहान प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। डॉक्टर पार्थो जी आप आए प्लीज़। एंड डॉक्टर अरुण चौहान। डॉक्टर पार्थो दत्ता जी महाराष्ट्र से हैं। नए सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इनके बीच हमारे इंस्टीट्यूशंस का एग्रीमेंट हुआ है। ये हमारी ब्रांच जो है महाराष्ट्र में चलाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और हमें अच्छा लगा कि ये हमारे प्रोग्राम में आए और इनके सामने एग्रीमेंट हमारा साइन हो रहा है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज कराता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य संस्थान हमारा है। मैं आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कभी किसी को भी इस इंस्टीट्यूट से कुछ कर रहा हो हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। अगर कई लोग कुछ लोगों के पास पैसे ना हो या कोई और रीज़न हो तो उनके लिए भी हम हमेशा अवेलेबल हैं। पार्थो जी मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ और मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि एज ए डायरेक्टर मैंने यहाँ पे साइन किया है। आपका मेरा टाई अप सही चले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच अंजू जी और सभी पूरी टीम का जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच मौजूद हैं फिरोज अहमद एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट से। एक बार अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार ज़रा खड़े हो जाएं। हम जाएंगे सभी ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें और दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और अभी ये जो कार्यक्रम हुआ अभी डांस का कार्यक्रम जो आपने देखा वो नेहा काला जी और अंशी शर्मा जी के सहयोग से किया गया। मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियां। निधि बख्शी जी हमारे बीच मौजूद हैं, मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं और सोशलिस्ट हैं। निधि बख्शी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नेहा जी आप भी खड़ी हो जाएं एक बार। नेहा जी पूरा सहयोग है इस कार्यक्रम में अली जी के साथ नेहा जी का, तो बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। और अब हम जैसे कि हमारा एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन है ये, इसको शुरू करने जा रहे हैं। पैरामेडिकल में क्या क्या कोर्सेज आप रहने दो। एक मुझे लगता है वो छोटे छोटे बच्चे अभी और एक दो परफॉर्मेंस और बाकी है, शायद एक ही बाकी है, तो हम चाहेंगे उन बच्चों को फ्री कर दें ताकि वो इंजॉय कर सकें। और क्या कहते हैं आप लोग एक बार ज़ोरदार तालियों से बताएं कि आप चाहेंगे देखना। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अंशी जी आप अपने बच्चों को लेकर आएँ स्टेज पर। मेरे अब्बू मेरे पापा का नाम है।
अब मस्त एक्टर तुलसी कुमार भूषण कुमार जी का ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ से बच्चे एक्ट सीखकर, सिंगिंग सीखकर बड़े बड़े टीवी जैसे शो पर जाते हैं, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज जैसे शो पर जाते हैं। सो लेट्स वेलकम अवर लिटिल किड वैभव जानवी एंड अवर क्यूट एंजल। इनका नाम बहुत प्यारा है, किसी को नाम पता है ब्लॉसम? ब्लॉसम का मतलब पता है किसी को? यस माय लव, आपको तो पता ही होगा ब्लॉसम, व्हाट अ नेम। तो लेट्स वेलकम ब्लॉसम वैभव एंड जानवी ऑन स्टेज। छोटा सा एक्ट करेंगे ये आप सबके सामने। चार चापी घर आ गया खुशबू लुटा दे खुली खुली जुल्फ बता दे बता दे जरा मुझको बता दे के बाद हस्बैंड बिना सूंड का हाथी हो जाता है। पहले माँ का हाथ का खाना खाओ, फिर बीवी का हाथ का खाना खाओ। खाना खा खा कर इंसान कम चलता फिरता गैस का गुब्बारा हो गया हूँ। और ऊपर से दिन भर सास बहू के झगड़े। ए जी सुनते हो? नहीं जानू, आज छोले भटूरे नहीं। अरे छोले भटूरे नहीं, आज तो फैसला कर ही दो। अरे बेटा सुनता है? मूली के पराठे नहीं। अरे बेटा मूली के पराठे नहीं, आज तो फैसला कर ही दे। ये भगवान, तीन तीन जज बैठे यहाँ, फिर भी फैसला मुझसे करवाने नहीं है। लगा है बेटा घुटनों पर और मैंने परफ्यूम लगाई है, खुशबू आ रही होगी शायद। दो कौड़ी का परफ्यूम लगाकर घूम रही है, खुशबू कहाँ से आएगी? गंदी बदबू आ रही है ना बेटा? खबरदार माजी ने मेरे परफ्यूम के बारे में कुछ बोला तो ये मेरे मायके से आया है। हाँ तो मायके से आई हर चीज अच्छी थोड़ी ना होती है, तुम भी तो मायके से आई हो, क्यों माँ? वाह बेटा वाह, क्या ललन टाप बात बोली है। अब लगे हाथ इस बात का फैसला कर ही दे कि तू अपनी माँ को ज्यादा चाहता है या अपनी पत्नी को। कैसा कैसा बच्चों वाला सवाल है माँ। इधर आ, ये रोज रोज खिलाया मैंने लड़से की तुम्हारी माँ से। हाँ मैं तो पहले अकबर की सेनापति रह चुकी हूँ ना, जो तुझसे लड़ती रहती हूँ। माँ गलत बात, ये उम्र है लड़ाई लड़ने की? अरे इस उम्र में तो भगवान का नाम लो, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, सलमान सलमान सलमान, सरुक 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 सरुक। अरे मार दिया है। ये सिखाता मैंने तुझे? अरे ऐसे करते हैं बेटा। शाहरुख, जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार एटीट्यूड, उस लड़की के साथ तुम हो या नहीं? हो जानू। इतना प्यार जो तुम अपनी बीवी से करते हो, ये कहां से आता है इतना प्यार? क्या बात है। एक मिनट, ये इधर आओ ब्लॉसम, ये बच्ची है, ठीक है। मैं छोटे बच्चों के लिए और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बींग अ कास्टिंग डायरेक्टर, बींग अ टीचर, ठीक है। ये बच्चे जो भी परफॉर्म करते हैं हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए,
हमें भी नहीं पता कि किस तरह की प्रॉब्लम ये लोग स्कूल में और बच्चे किस तरह की टॉर्चर सहन करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लेंट मुझे स्कूल में बच्चों से आते हैं कि बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता है, बच्चों में भी कॉम्पिटिशन है हम लोगों से ज़्यादा। फिर वो बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं, सोचते हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं, एज अ टीचर मुझे शेयर करते हैं, फिर वो मुझे बताते हैं मैम वो बच्चा मुझे ऐसे कहता है, वो बच्चा। आप लोग भी पेरेंट होंगे, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, राइट। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने बच्चों से बात ज़रूर शेयर करें, बिकॉज इन बच्चों के साथ मैम वो हो जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। छोटी उम्र में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर ये मेरा फ़र्ज है कि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एज अ दोस्त आप उनसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का हुआ है। मैम प्रोग्राम को हम लोगों ने डांस भी चल लिया, बच्चों का म्यूजिक भी देख लिया, एक्टिंग भी देख ली। अब मैं ये चाहूँगी कि कुछ अवार्ड हो जाए, क्योंकि बहुत देर से लोग बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मैम प्लीज़ आप अवार्डीज़ के नाम बोलिए। जी बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं आज के इस जो ख़ास पल हैं जिसके लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड। तो सबसे पहले मैं इस अवार्ड को देने के लिए बुलाना चाहूँगी स्टेज पर एडवोकेट रोहित पांडे जी और एडवोकेट फिरोज़ अहमद साहब। आप तशरीफ लाएं और जो हमारे अवार्डी हैं उनको अवार्ड देकर सम्मानित करें। और इस कैटेगरी में सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगी प्रिया भार्गव जी को, जो कि मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं। देखिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए, क्योंकि वो पल आ चुका है जिसका इंतज़ार बेसब्री से हम बहुत टाइम से कर रहे थे। काफ़ी दिनों से ये तैयारी चल रही थी और ये पल आ चुका है। हमारे बीच मौजूद हैं रोहित पांडे जी और फिरोज़ अहमद साहब। प्रिया भार्गव मॉडल एक्ट्रेस, आपको ये सम्मान दिया जाता है आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से, सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रिया भार्गव जी कंग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू बेटे। दूसरा अवार्ड है शहीद लोधी जी को, बहुत एंटरटेनमेंट आपने किया, अपने विचार आपने लोगों को बताया, अपने काम को लोगों को बताया, बहुत दिल से सराहना करती मैं आपका। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे जी। और नेक्स्ट है हमारे बीच दीपिका गुप्ता जी, मॉडल एक्ट्रेस सोशल एक्टिविस्ट। इनके हस्बैंड साथ में आ जाओ, आप फोटो कोई भी ले लेगा, किसी को भी मोबाइल पकड़ा लीजिए। मुझे लगता है जिस तरह कहा जाता है कि एक सफल पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, तो जो सफल पत्नी है आज के टाइम में उनका पूरा सहयोग होता है, पूरा सहयोग पति देव का होता है। सर जी फोटो मिल जाएगी, अवार्ड नहीं मिलेगा, आप आ जाए साथ में। दीपिका गुप्ता आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मॉडलिंग के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीपिका जी के पति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं फेसबुक देखती रहती हूँ आपका, लुकिंग ब्यूटीफुल। आप हमेशा अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड आप जैसे लोग अगर इसी तरह का की विचारधारा रखेंगे तो हमारे देश में कोई भी महिला जिसके अंदर हुनर है वो पीछे नहीं रह पाएगी। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हमारी मॉडल एक्ट्रेस दीपिका गुप्ता जी के लिए। एंड थर्ड हमारे जो अवार्डी हैं
डीजे वायरस, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, बांटते हुए आइए सर, आप में तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। डीजे हैं आप तो, आप तो सबको नचाते हैं, तो ज़रा भाग के थोड़ी सी अपनी कुछ मूवमेंट्स यहाँ भी होने चाहिए। देखिए ज़ोरदार तालियां होती रहनी चाहिए, क्योंकि अभी इनकी बारी है, अगली आपकी बारी है, तो सब लोग नोट कर रहे हैं। मेरी बारी में किसी ने ताली नहीं बजाई थी, तो मैं भी नहीं बजाऊंगा या बजाऊंगी। सो प्लीज़ ध्यान रखिए कि अभी आप स्टेज पर जो हैं उनके लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए। तो ये डीजे वायरस हमारे बीच अवार्ड लेकर जा रहे हैं, सम्मानित होकर जा रहे हैं। आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा है इनको, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट अवार्डी जो हैं उनका नाम है नितिन कुमार, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गीत सुनाए और सुरीला समा बांधा आज के प्रोग्राम की शुरुआत में। बहुत ही अच्छे गायक हैं और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है आई थिंक। सर जी भाग कर आएँ ज़रा, टाइम की बहुत कमी है, हमेशा वक्त की कमी रह जाती है, तो हम नहीं चाहेंगे कोई अवार्डी रह जाए। तो नितिन कुमार जी के लिए ज़ोरदार तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सम्मानित किया जाता है आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अवार्डी और नेक्स्ट अवार्डी हैं सरला पांडे जी, फैशन डिजाइनर नागपुर से हमारे बीच आई हैं नागपुर से। इनके लिए तो तालियां बंद ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं। दिल्ली वालों आपको दिखाना है कि हम मेहमान नवाजी में पीछे नहीं रहते हैं, यहाँ से तालियों की गूंज नागपुर तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप आई हैं इतनी मेहनत के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सरला जी, बहुत बहुत मुबारक, आपको सम्मानित किया जाता है एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से, और साथ में हमारे पावर्ड बाय यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर। एंड नेक्स्ट अवार्डी है हमारी रूपा, एंड हाँ जी सरला जी हमारे बीच में हैं, तो बहुत ज़ोरदार तालियां इनके लिए, इनको सम्मानित किया जाता है आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड और पावर्ड बाय यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर। बहुत बहुत मुबारक हो आपका, आपको जब तक अगले अवार्ड की मैं घोषणा करती हूँ, उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी, हमारे बीच मौजूद हैं रईस खान पठान साहब, स्पेशल गेस्ट, वीआईपी गेस्ट, मेंबर ऑफ वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्लीज़ एक बार जहाँ कहीं भी हैं एक बार खड़े हो जाएं, ताकि हम आपको पहचान सकें। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सर प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं आप, हम आपको, हम चाहेंगे अगले अवार्ड्स आपके हाथों से दिए जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अलीम साहब से कि प्लीज़ वो भी स्टेज पर आएं। डॉक्टर अलीम साहब प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला। और नेक्स्ट अवार्डी हमारे बीच हैं पारुल प्रिया, प्रिंसिपल मेरिडियन इंटरनेशनल स्कूल पटना से।
पटना से हमारे बीच आ रही हैं पारुल प्रिया जी, बहुत दूर से आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी दिल्ली की तरफ से। और आपको सम्मानित किया जाता है एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से, पावर्ड बाय यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हमारे गेस्ट भी हैं, अवार्डी भी हैं, मजहर हसन साहब, वाइस प्रेसिडेंट कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स एसोसिएशन। मजहर साहब के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और एजुकेशन वेलफेयर सेंटर, यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर की तरफ से, अंजू जी की तरफ से और अली जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और नेक्स्ट हमारे बीच अनीस दुरानी जी, आगे वो आगे, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। एंड नेक्स्ट डॉक्टर एम नसीफ नफीस कुरैशी साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर एम नफीस कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस मंच पर, आलीशानी एंटरटेनमेंट की तरफ से, यूनिक एजुकेशन की तरफ से आपको ये सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है आपके कार्यों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज के इस कार्यक्रम के लिए। और नेक्स्ट हमारे बीच हैं सोनू मुजामिल जी, सोनू मुजामिल जी मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, इनका मॉडिज सलून है सनी एनक्लेव ईस्ट दिल्ली। सर ठीक है ना, आप मेरे पड़ोसी हैं वैसे और यहाँ पर मुलाकात हो रही है आपसे, तो बहुत बहुत मुबारक हो और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार आपको भी, एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड और यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर की तरफ से ये सम्मान आपको दिया जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस सोनू जी, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत देर से खड़े हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप आराम करें और हम कार्यक्रम को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सर आप जाएंगे नहीं, आपको बस हमने सिर्फ बैठने के लिए बोला है, तो आप बैठिए। और हमारे बीच जुबी पब्लिक स्कूल से कुछ बच्चे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूँगी और एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है। जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं स्टेज पर बड़े एहतराम और अदब के साथ बुलाना चाहूँगी फिरोज़ अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद साहब को कि वो आएँ और ये अवार्ड आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से, माफ़ी चाहते हैं आपको सर बार बार आना और जाना पड़ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको,
आलिशान एंटरटेनमेंट की तरफ से एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों कहते हैं छोटे से एक पल का किस्सा बन जाता है, छोटे से एक पल का किस्सा बन जाता है, जानी कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यूं तो मिलते हैं जिंदगी में इस तरह से कई लोग जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, और ये रिश्ता आप सबके साथ है और बहुत अच्छा रिश्ता मेरी अंजू जी के साथ बना है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुलाकात हुई लेकिन लगता है बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग, क्योंकि अंजू जी का नेचर इतना अच्छा है कि सबको अपना बना लेती हैं। एक ही मुलाकात में आपको लगेगा कि इनसे अच्छी, अगर मैं अपनी तरफ से कहूं कि बहन कोई बड़ी बहन छोटी बहन हो नहीं सकती, दोस्त कोई हो नहीं सकता, तो ये कम होगा। और अली जी के साथ इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और सारे प्रोग्रामों में, अच्छा माफ़ी चाहती हूँ इनकी छोटी बहन कह लीजिए, बड़ी वाली है छोटी, अली जी आप छोटे हैं या वो बता दीजिए अच्छा अली जी, भाई हमेशा बड़े होते हैं, बहन कितनी भी बड़ी हो छोटी ही होती है, तो भाई बहन का रिश्ता है इनका और दोस्ती के से बढ़कर ये रिश्ता है, और हम चाहेंगे ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही मिलकर आप लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें और लोगों को उनके टैलेंट को ढूंढकर उनके आज हम उनके हुनर को पहचान कर यहाँ उनको हम सम्मानित करते हैं, ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अली जी और अंजू जी। अंजू जी आपके बच्चे तैयार हैं, गाना तैयार है प्लीज। तो अगली जो प्रस्तुति है वो है जुबी पब्लिक स्कूल के बच्चों की। इसको कनेक्ट कर दीजिए प्लीज, उधर से ऑन कर दीजिए, गाना लगा दीजिए। नहीं आया अभी, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम 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 ओ जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए, पम 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 मेरिया है जान भी देने, आजा जिंदा शामियाने के तले, आजा जली वाले नीले आसमान के तले, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम भले शीतलाम, सत्य श्याम ना मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी,
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे क्या बात है, लेकिन तालियां कम हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस के आगे आप सबकी तालियां ही उनके लिए आशीर्वाद हैं, उनकी हौसला अफजाई का एक जरिया है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस इनकी नहीं, अभी अभी करवा दीजिए अगर है तो। हाँ देखिए, वक्त की कमी हमेशा रह जाती है। हम चाहेंगे एक बार जिनकी परफॉर्मेंस है वो हो जाए, ताकि ये ना हो कि कोई बच्चा रह जाए। अंजू जी, शायद अभी बच्चों को तैयार होने में वक्त लगेगा, हम चाहेंगे कि एक बार अवार्ड शुरू कर दें। अली जी आप आइए प्लीज। कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगी भैया आप बताएं जरा। हाँ, माय नेम इज रहीम अहमद अंसारी, आई एम इन सेकंड क्लास, आई एम गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ चंद्रशेखर आजाद। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता, मेरा घर जेल है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा मेरे कफन में है, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं आज़ाद ही रहेंगे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखिए, हमारे इतने छोटे बच्चों की अगर दिल में ये देश की भावना, ये देश भावना और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इंसान की जो विचारधारा थी वो इनके अंदर है, तो हमें लगता है हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। ऐसे बच्चों के लिए तो मैं चाहूँगी जितनी तालियां हो कम हो, क्योंकि बच्चों के अंदर ये भावना लानी बहुत ज़रूरी है सभी पेरेंट्स के लिए, कि अपने देश के लिए और अपने देश के उन वीरों के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उनको याद करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बेटा, चलिए थैंक यू सो मच। और बारी है एक बार फिर से हमारे अवार्ड्स की, जिसके लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, रूबरू हैं। अंजू जी, नेक्स्ट अवार्ड। और नेक्स्ट अवार्डी हमारी है नुपुर सिन्हा जी, फैशन डिज़ाइनर मॉडल। नुपुर सिन्हा जी, इनको अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी उषा जी को, उषा टंडन जी को। रईस पठान साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज आप स्टेज पर आए। प्रोफेसर उषा टंडन जी हमारे बीच आ रही हैं इनको अवार्ड देने के लिए। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर आपका, आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से, यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर की तरफ से आज एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा है नुपुर सिन्हा जी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो,
बहुत बहुत मुबारक हो आपको नूपुर जी, और एक बार फिर से स्वागत है आप तीनों का इस स्टेज पर, इस मंच पर। जी फैशन डिजाइनर नीतू सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो स्टेज पर आ जाएं। शायद वो यहाँ पर नहीं है, तब तक हम नेक्स्ट अवॉर्डी ले लेते हैं। नेक्स्ट अवॉर्डी हमारे बीच जसमिंदर कौर, बेस्ट टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट। जसमिंदर कौर जी हमारे बीच मौजूद हैं, बेस्ट टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जसमिंदर जी आप टीचर कम मुझे मॉडल ज़्यादा लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है आपकी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आलीशान एंटरटेनमेंट सॉरी एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड आपको दिया जाता है, यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर। इन आपकी कार्यों के लिए, आपके कार्यों के लिए आपको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। निशु सिंह, गलती से शायद स्पेलिंग गलत थी, तो हमारे बीच मौजूद हैं निशु सिंह जी। आपको सम्मानित किया जाता है आज इस एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट अवॉर्डी हैं डीजे ओयो, डीजे ओजो। सेलिब्रिटी डिस्क जॉकी कहाँ पर हैं, जरा भाग के आए। अच्छा आप हैं, क्या बात है, लग ही नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है स्कूल की बच्ची आ रही है हमारे बीच है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितने लोगों को नचा लेती हो आप अपनी उंगलियों पर आई थिंक बहुत सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और अपना फोन नंबर और एड्रेस जरूर देके जाइएगा, हम भी आएंगे आपके डिस्को में, डिस्को करने के लिए, डिस्क में आप बता दीजिएगा। बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी डीजे है, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसे इतनी प्यारी। ओ ओके ओके ओके, कहाँ पर है ये भी बता दीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट, और हमारे बीच मौजूद हैं निधि बख्शी जी, मॉडल एक्ट्रेस एंड सोशल एक्टिविस्ट। बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं इनकी, और मैंने इनको कई कई जगह मैंने इनको सम्मानित होते हुए देखा है, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। निधि बख्शी जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी शख्सियत है। इनको सम्मानित करने के लिए एक बार फिर से मैं तकलीफ देना चाहूँगी रोहित जी को, प्लीज़ आप आएँ, रोहित पांडे जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस निधि बख्शी जी, आपको सम्मानित किया जाता है एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से, आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से, यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर की तरफ से ये सम्मान दिया जा रहा है। तालियों में कंजूसी ना करें प्लीज। हाँ बिल्कुल, इतनी खूबसूरत हस्तियाँ शख्सियत मौजूद हैं यहाँ पर,
तो लोग शायद ताली बजाना ही भूल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी ये याद रखा जाए, ये पल बहुत कीमती हैं और हमारे बीच इतनी अच्छी शख्सियत मौजूद हैं सभी। अच्छा चलिए, वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ पर आप लेने आ रही हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी, उनका मोमेंटो यहां पर रह गया है। चेक 1 2 इको हल्का सा इको। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपके बीच। प्लीज रिक्वेस्ट, एक बार एक सॉन्ग है किशोर कुमार जी का, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार मेरे साथ, फिर आप मेरे साथ साथ गाइएगा। कैन यू सिंग विद मी? ओनली वन। कैन यू सिंग विद मी? कैन यू सिंग विद मी? मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा लग रहा कोई, ऐसा लग रहा मुझे। कैन यू सिंग विद मी? ठीक है, ओके। थोड़ा मौसम के ऊपर था ना, एटमॉस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। क्लैप ऑन द बीट प्लीज, क्लैप ऑन द बीट एवरीवन। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं
रंगी बजरंगी भाईजान मूवी लाइक आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढती तेरी गली मुझको रब मिला आबराना मेरा साथ तेरे है ना देखती तेरी गली मुझको रब मिला तू जो मिला क्योंकि तुम धड़कन मैं रूठ जाना तेरा मान जाना तेरा देखती तेरी खुदी मिल गई खुशी चाहिए आज इस मंच पर परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए सुनाने तो हम भी बहुत कुछ आए हैं मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए तो ये होती है बात तालियों की अली जी आ गए हैं अभी आए नहीं हैं हाँ बिल्कुल बुला लीजिए बच्चे तैयार हैं तो आ जाएं जब तक मैं दो लाइनें आशा जी की बहुत ही खूबसूरत गीत जो आज की इस माहौल पर जाता है आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही एक पल है आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही एक पल है अनजाने सायों का राहों में डेरा है अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है जीने वाले सोच ले यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही एक पल है जो भी है बस यही एक पल है जो भी है बस यही एक पल है थैंक यू अच्छे से एंटरटेनमेंट किया ना मैंने आपका थैंक यू तो चलिए अब तैयार हैं हमारे बच्चे परफॉर्मेंस के लिए जूबी पब्लिक स्कूल से लेकिन शायद उनका गाना तैयार नहीं है
क्योंकि उनकी टीचर कहाँ है। आइए प्लीज, मैं चाहूँगी जो भी परफॉर्मेंस हो रही है टीचर या जो भी उनके साथ आए हैं आप लोग यहाँ तैयार रहें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। आवाज नहीं आ रही है आप। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अभी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। कैसे हैं चाहे कैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, तुम पे हम नाज है। हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे दिल के तार से, इंडिया वाले छूटे हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। थोड़ी आवाज तेज कर दीजिए। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो ये थे जूबी पब्लिक स्कूल से हमारे दोनों बच्चे, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एकदम। तो चलिए अली जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पर आ जाएं, और अली जी आए या ना आए लेकिन मैं अरमान खान साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी एक बार। माफी चाहते हैं, हम रईस खान साहब जी को एक बार स्टेज पर बुलाना चाहेंगे फिर से। डॉक्टर नफीस प्लीज कम ऑन स्टेज। अरमान खान साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ मौजूद हैं प्लीज़ स्टेज पर आएं। अरमान खान साहब अच्छा, तो ये है अरमान खान जो कि आलीशान एंटरटेनमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं और एकेडमी में मॉडलिंग सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं। अच्छा, वो बाद में हम पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ प्लीज तालियां जरूर बजनी चाहिए। नेक्स्ट अवार्डी है हमारे कशिश ठाकुर। अच्छा, ये कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अरमान एंड आई लिव इन सीलमपुर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अरमान खान एंड आई लिव इन सीलमपुर। मैं अली सर जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी एकेडमी में मुझे एडमिशन दिया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा और बहुत अच्छा भी लगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सर के साथ रहूँगा तो कहीं ना कहीं मैं भी ऊँचाइयाँ छूँगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अली सर का इसी तरह साथ बना रहे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए अली साहब हमेशा हाजिर रहते हैं। और नेक्स्ट हमारी कशिश ठाकुर, जरा भाग के आई, नजाकत को छोड़ दें, ये बच्चे हैं आलीशान एंटरटेनमेंट के एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप में तो एनर्जी भरपूर होनी चाहिए जी। कशिश ठाकुर जी को आज का एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड जाता है, इस सम्मान से इनको नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मुकुल चौहान, जी मुकुल जी आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ आई थी, मुझे सबसे पहले मुकुल जी यहाँ पर मौजूद थे और बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। ये स्टूडेंट कम मुझे लगता है कि फैकल्टी संभालते ज़्यादा है। बहुत ही प्यारी इनकी शख्सियत है, बहुत ही प्यारी स्माइल है, बहुत कोऑपरेटिव है स्टूडेंट हैं। और इनके बारे में अली जी आप बताएं। ये डीडी किसान पे एक सीरियल आता था गांव अंटर बाबू का, उसमें काम कर चुके हैं, हमारे एकेडमी की तरफ से ही गए हैं वहाँ पर। थैंक यू, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुकुल जी। आप कुछ कहना चाहेंगे, बिना कहे कैसे रह सकते हैं? हाय एवरीवन, माय नेम इज मुकुल चौहान। मेरी जर्नी आलीशान एंटरटेनमेंट के साथ शुरू हुई थी जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो मैं बहुत डाउटफुल था, ठीक है, बट विद अ लॉट ऑफ करेज इन माय हार्ट, ठीक है, मैं आया, मैंने अली सर को कॉल किया, मैंने कहा सर आई वांट टू बिकम एन एक्टर, उससे पहले सारी होप जीरो थी। तो अली सर ने कहा चलो आ जाओ मिलते हैं, तो मैं गया, तो सबसे पहली मेरी नज़र गई अली सर के अवार्ड्स पे, मैंने कहा वाओ लुक्स गुड, राइट। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, अली सर के साथ मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 years हो गए, राइट। एंड फिर आई वर्क इन अ सीरीज लाइक ही जस्ट सेड, गांव हंटर बाबू का ऑनटीडी, दैट वाज माय फर्स्ट वन। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ लॉट मोर टू कम, ओके, एंड द जर्नी इज डैम लॉन्ग एंड जस्ट वेटिंग फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच अली सर एंड आलीशान एंटरटेनमेंट for you know providing me with this opportunity. Thank you. Thanks. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हमारी निधि जैन, सीनियर इंचार्ज आपकी सेहत मैगजीन, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं जल्दी से स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। और निधि जैन जी शायद यहाँ पर नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही हैं, तो हम दूसरे जो हमारे अवार्डी हैं हर्ष शर्मा जी जो कि मॉडल हैं उनको बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। हर्ष शर्मा जी आई थिंक वो भी नहीं है, शायद बाहर कहीं हैं। नेक्स्ट अवार्डी बता के जाएं अली जी आप मुझे। मैम जो महिलाएं दिल्ली से बाहर से आई हैं उनका अवार्ड हो चुका है सभी का या किसी का रह गया है? अच्छा आपका रह गया है, ठीक ओके। एक ये एक और अवार्ड रह गया था शायद, उसमें नाम मुझे बता दीजिए उसका, इसमें है एक स्टूडेंट का। और उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही अहम शख्सियत से, एक बहुत ही प्यारी सी जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, नेहा काला जी। एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए नेहा जी के लिए, बिकॉज शी इज़ अ वेल नोन फैमिली, क्वार्ट्स फैमिली, क्वार्ट्स वॉचेज आप सभी जानते हैं, क्वार्ट्स की वॉचेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हम सभी ने पहनी है, इनफैक्ट हम सभी पहनते हैं। तो नेहा जी एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही जिनकी बहुत बड़ी शख्सियत है नेहा जी हमारे बीच में। मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि अभी इनकी कंपनी, इनके डैडी की कंपनी जिन्होंने शुरू की थी क्वार्ट वॉचेस, अभी नेहा जी भी साथ में उनके संभाल रही हैं। और इसके अलावा नेहा जी की अपनी 12 कंपनी है, जी हाँ आपने सही सुना, 12 कंपनी हैं, जिसमें से 2 मैगजीन, 1 एनजीओ और बहुत सारी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगी जुड़ी हुई हैं, लेकिन एनजीओ से जुड़ी हुई हैं ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसमें से एक अनाथालय और एक बच्चों के लिए जो काम करते हैं उनकी इनकी क्या कहना चाहिए, ओनर हैं। ओके ओके जी, एनजीओ भी चलाती हैं, डबल पीएचडी भी हैं साइकोलॉजी में, लोगों को पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक तभी इन्होंने साइकोलॉजी विषय चुना। और रियली
इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ, कुछ ही वक्त है ऐसे लोगों से मिलने का, तो आप लोग तालियों में कोई कमी ना रखें प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि नेहा काला जी के लिए बहुत ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। नेहा जी आपके साथ तो मैं भी आना चाहूँगी, इजाज़त हो तो। बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत खूबसूरत भी हैं साथ में, और इतना एनजीओ चलाती हैं, रियली कांग्रेचुलेशंस। आई गेस पीपल हु आर हम्बल दे एक्नॉलेज द हम्बल वंस। ट्रस्ट इन मी, दिस लेडी हु इज होल्डिंग द स्टेज, यू आर पार एक्सलेंस। मे साई ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच अली फॉर डूइंग ऑल दिस बाय योर ओन। आई नो द हर्डल्स दैट ही इज फेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अंजू दी एंड अली। थैंक यू सो मच नेहा। एंड नेक्स्ट अवॉर्डी हैं प्रीति श्रीवास्तव जी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर। कहाँ से हैं प्रीति जी, एक बार अगर यहाँ बैठी हैं तो स्टेज पर आ जाएं, ज़ोरदार तालियाँ प्रीति जी के लिए, जो कि फिटनेस आई थिंक कहाँ चला गया। जी सीधे पटना से चली आ रही हैं। वाकई में ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप याद रखेंगी हम दिल्ली वालों को, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान में, और इनको जाता है एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड पावर्ड बाय यूनिक एजुकेशन वेलफेयर। और बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नेक्स्ट हमारे बीच प्रिया लाकरा, मेकअप आर्टिस्ट हैं प्रिया लाकरा जी, वीआईपी गेस्ट हैं हमारी, लेकिन बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठी हुई थी, सब कुछ देख रही थी, और इनको एक बहुत ही खास अवार्ड जाता है, और जिसको हम एक बहुत खास पर्सनैलिटी से अवार्ड दिलाएंगे, निधि बख्शी जी। निधि बख्शी जी प्लीज आप स्टेज पर आएं और इस सम्मान से सम्मानित करें। निधि बख्शी एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही हम्बल हैं, और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समाज के कार्यों से जुड़ी रहती हैं, समाज सेवा में जुड़ी रहती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलता है एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। नेक्स्ट हमारे जो अवार्डी हैं वो हैं गुफरान अफरीदी जी, रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा न्यूज। गुफरान अफरीदी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आज इस मंच पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये सम्मान दिया जाता है आलीशान एंटरटेनमेंट की तरफ से एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड। बस थोड़ी सी तालियां आपकी, और आज के ये लम्हे अब समाप्ति की ओर हैं, थोड़ा वक्त रह गया है, और हमारे बीच मधु सैनी जी हैं जो कि मॉडल हैं, स्टेज पर आएं और इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है मधु सैनी जी को एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से। ये मॉडल हैं, मॉडलिंग करती हैं, और मॉडलिंग के फील्ड में इनका अच्छा खासा नाम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और इनके बाद हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर आकांक्षा पुरस्वानी जी को, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, प्लीज जल्दी जल्दी आएं, और इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है आपको अंशिका पुरस्वानी जी को।
और इसी कड़ी में यानी मॉडलिंग के कड़ी में एक और खूबसूरत प्यारी सी मॉडल हमारे बीच मौजूद हैं, अर्चना शर्मा जी। मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर अर्चना शर्मा जी को, जो कि मॉडल, मोटिवेशन स्पीकर, ब्रांड्स एंड गुडविल एम्बेसडर हैं, और दिल्ली में नहीं पूरे मैं इनको बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगह इन अवार्ड लेते हुए भी देख चुकी हूँ, इनकी मॉडलिंग देख चुकी हूँ। तो एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां खूबसूरत सी अर्चना शर्मा जी के लिए जो हमारे बीच मौजूद हैं, और इनको जाता है ये अवार्ड, एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड यूनिक एजुकेशन वेलफेयर की तरफ से, आलिशान इंटरटेनमेंट की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्चना जी, मेरे साथ बहुत काम कर चुकी हैं, कई जगह काम कर चुकी हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत प्यारी सी हैं। नेक्स्ट हमारी जो बहुत बेहद ख़ास अवार्ड है उनका नाम मैं लेना चाहूँगी बहुत ज़ोरदार तरीके से, अंशी शर्मा जी आ जाइए जिन्होंने अपने एकेडमी के बच्चों को यहाँ पर लेकर आई और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंसेस दी हैं। अंशी शर्मा जी टी सीरीज़ एकेडमी में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करती हैं, डांसिंग एक्टिंग सिखाती हैं, और बच्चों से इन्हें बहुत प्यार है, जैसा कि आप देख चुके हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया और इनके बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जाता है एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड, मिलता है आपको ये आज का बहुत ही ख़ास अवार्ड है आज का, ये बहुत ही थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी, हाँ बिल्कुल, वो चाहती हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ में आ जाएं, एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं सब मैम के साथ आ जाएं, भाग कर आएं, जल्दी से आएं, देखते हैं कितनी जल्दी से आते हैं आप लोग, फटाफट जितने बच्चे हैं सब लोग आ जाएं और देखें कि बच्चे मैम को अवार्ड मिल रहा है और आपको भी मिलेगा, जल्दी 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 सब एंजल आ जाएं। बिल्कुल, हम ये अवार्ड और ये सर्टिफिकेट सभी बच्चों को दे रहे हैं अंशी शर्मा जी के साथ साथ। तो ये अवार्ड है टी सीरीज एकेडमी के बच्चों का, इनके साथ तो मैं भी आना चाहूंगी। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और आज का ये कार्यक्रम बस कुछ ही पल हैं अब समाप्ति की ओर है। थैंक यू सो मच आप सबने यहाँ आए, देखिए थोड़ा सा वक्त कम है, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा यहाँ, थैंक्स टू अली, ये बहुत बड़े लाइन प्रोड्यूसर हैं, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि अगर मूवी में सच में किसी को काम करना है तो अली को कांटेक्ट करें। क्लैप प्लीज बच्चों, जाओ नहीं हम अंशी जी को भी कर लेंगे ताकि टी सीरीज में आने का मौका मिले। और नेक्स्ट अवार्डी हमारे बीच मौजूद हैं हर्ष शर्मा जी, जो कि एक मॉडल हैं। हर्ष शर्मा जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अंकिता आप आ जाओ, चलिए उनके बिहाफ पर मैं अंकिता जी उनका ये अवार्ड ले रही हैं। बड़े अदब और एहतराम से डॉक्टर फिरोज़ अहमद साहब को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। एडवोकेट तो मैंने बहुत बार कह दिया, सब पहचान गए होंगे और सबने मन ही मन हिसाब भी लगा लिया होगा कि कहीं अगर कोई केस देना हो, कोई कहीं कुछ केस फंसा हो तो इनसे ही बात की जाएगी। भाई ज़ोरदार तालियां हो जाए वकील साहब के लिए। डॉक्टर अलीम साहब प्लीज़ आप भी स्टेज पर आएं, उतने ही अदब और एहतराम के साथ को साथ में आपको बुलाना चाहूँगी स्टेज पर।
कोई बात नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा। और इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर सुमित भोजगी जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। मैं डॉक्टर नफीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रईस खान प्रांत जी का स्वागत करें। रईस खान प्रांत जी का सर, ये रईस खान प्रांत जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आपका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बहुत बहुत कीमती वक्त आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है यहाँ पर। और सभी की हौसला अफजाई होती है जब आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर मोहम्मद साकिर अंसारी साहब जी को। साकिर अंसारी जी, मेंबर माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट NCJ ऑफ दिल्ली। साकिर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत देर से बहुत सारे काम संभाले हुए थे यहाँ पर। संकेत जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, संकेत जी अगर यहाँ पर हैं तो आ जाएं, अदरवाइज उनका अवार्ड लेने के लिए सोना जी आ जाएं। सोना जी अगर यहाँ मौजूद हैं, मेरी आवाज़ सुन रही हैं, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। रोहित पांडे जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी आ जाएं स्टेज पर प्लीज। और नेक्स्ट अवार्डी हमारे बीच अंकिता रावत जी हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट अंकिता रावत जी। अंकिता जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर अभी आपको नहीं जाने देंगे, बस खत्म करके ही आपको जाने देंगे यहाँ सारा प्रोग्राम। नेक्स्ट अब उनकी बारी है जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत मेहनत से सजाया संवारा और पूरी मेहनत के साथ अली जी के साथ दिया है। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं जी, बारी है उनकी अंजू भंडारी जी, जो कि एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। अली जी अपनी बहन को अवार्ड दे दीजिए प्लीज, दिलवाइए। अली जी की बहन भी हैं और सभी की बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। अंजू जी मैं भी आना चाहूँगी इस फ्रेम में, हाँ प्लीज़ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो अंजू जी की वजह से, अंजू जी ने ही अली जी को कहा कि हेमा जी को बुलाइए, तो थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं। और मैं चाहूँगी दो शब्द अभी नहीं, अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी अवार्डी हैं सिया मेकअप आर्टिस्ट, सिया मेकओवर से। सिया जी यहाँ मौजूद हैं, शायद नहीं है, अच्छा आ गई है,
कहाँ से निकल कर आई? अच्छा, पीछे से निकल कर आई हैं, कोई बात नहीं. सिया जी, आपको ये एडमायरिंग एक्सीलेंट अवार्ड जाता है आलीशान एंटरटेनमेंट और यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर की तरफ से आपको सम्मानित किया जाता है. और कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हमारे वीआईपी गेस्ट डॉक्टर के डी आर्या, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर के डी आर्या जी. कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत 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 ये अवार्ड. और नेक्स्ट हमारे अवार्डी जो हैं फरकंदा फिदा, प्रनाउंस करने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ. सूफी आर्टिस्ट, एक्ट्रेस एंड मॉडल, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम. जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और नेक्स्ट हमारे जो अवार्डी हैं उनका नाम है शाहिद अंसारी जी डीएन न्यूज़ से. शाहिद अंसारी जी डीएन न्यूज़ से. भाई, इनके लिए तो बहुत ज़ोरदार तालियां, क्योंकि आज की के कार्यक्रम की पूरी न्यूज़ इन्होंने देनी है और बहुत अच्छे से बनाकर देनी है. सर, ख्याल रखिएगा सभी का. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. ये अवार्ड दिया जाता है, इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ बनाइएगा. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कृष्णा सोनकर, रिपोर्टर न्यूज़ इंडिया वन. कृष्णा सोनकर, रिपोर्टर न्यूज़ इंडिया वन, वेलकम. कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्णा जी को जाता है ये एडमायरिंग एक्सीलेंस अवार्ड. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जो जिन जिन लोगों का अवार्ड रह गया, प्लीज़ वो एक बार अपना नाम बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा किसका अवार्ड है किसका नहीं है. जिसका रह गया है प्लीज़ हेमा सक्सेना जी को बता दीजिए, तभी वो आपका नाम अनाउंस कर पाएंगे. चलिए, जब तक कोई बताता है मैं चाहूँगी अंकिता और उनकी टीम स्टेज पर एक बार फिर से आ जाए. मेकअप आर्टिस्ट, मेकओवर आर्टिस्ट अंकिता जी. दादा, और आजकल मेल भी जितने भी लोग हैं मेरी बात से एडमायर करेंगे आप कि बिना मेकअप के आना कम पसंद करते हैं, तो इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और बेहद ख़ास हैं ये लोग, इनकी टीम. अंजू जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा हेमा जी को एक बार ऑनर कराने के लिए. आइए हेमा जी, आज सर हेमा मैम को पहले. मुझे भी उतनी इज्जत के साथ बुलाया जाए जितनी इज्जत के साथ मैंने सबको बुलाया. हेमा जी से रिक्वेस्ट करता हूं, उतनी ही तालियां चाहिए जितनी मैंने सबके लिए भिजवाई है. देखिए, एक इतनी खूबसूरत औरत इतनी देर से इस आलीशान प्रोग्राम को उसके नाम की तरह आलीशान रखने की कोशिश कर रही थी, अगर आपने उसके इस कर्ज को आज नहीं उतारा अपनी तालियों से, तो आप सारी जिंदगी कर्जदार रहेंगे. जोरदार तालियां इनके लिए. और इनके लिए एक शेर के, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में तो दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. तो ये वो समंदर है, इस समंदर के लिए तालियां. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी चीज आपने इतना मेरे बारे में कहा.
परमा मैडम आपको पनिशमेंट लगेगी, आप प्रोग्राम में आएंगी, हम आपके प्रोग्राम में आते, आप सबसे लास्ट में आइए, दिस इज नॉट फेयर, आ जाइए हम मंच पे। एक मिनट पर आइए आइए, इतना लेट प्रभा जी को एक बार हमारे अगले अवार्डी हैं माही रॉय, मुझे खुद ही इनका अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। नेहा गिरी भी स्टेज पर रहे एक बार, नेहा गिरी ये बात, नेहा गिरी अब माही राय जी से मैं अनुरोध करता हूँ एक बात स्टेज पर सबके सामने आए। नेहा जी उनका अवार्ड रईस खान साहब के हाथों से दिलवाना चाहेंगे। नहीं नहीं अली जी सबका अवार्ड हो गया, आप जाइए। सॉरी सॉरी, जूरी पब्लिक स्कूल के बच्चे एंड स्टाफ आ जाइए, एक बार आपका भी ग्रुप फोटो हो जाए। बच्चों आपने बड़ी मेहनत करी है तो थोड़ा होना चाहिए ना, आ जाइए सब लोग आइए। आई रिक्वेस्ट इलेक्ट्रिशियंस कि प्लीज़ एसी थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, हमारा सारा मेकअप उतर चुका है, थोड़ी सी इज्जत बचा लीजिए, एसी थोड़ी देर के लिए और खोल दीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ पर और बहुत पसीने आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा साथ दिया है पूरा टाइम, आखिर में सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। चलिए ये फोटो बहुत ही खास है, अली जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आफ्टर लॉकडाउन आपने इतनी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम करा है। नेहा जी आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगी, आप भी आ जाओ। और इस प्रोग्राम का काफ़ी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, अली जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, सभी को बेहद मान सम्मान इज्जत से नवाजते हैं और खुद बड़े शांत स्वभाव के हैं और पीछे खड़े रहते हैं कि चलो सबको फ़ोटो खिंचा लेने दो, मैं नहीं खिंचवाऊँगा। अभी और कोई बच्चों का नहीं। तो चलिए एक बार आखिरी बार आज के इस आखिरी जो हमारे अवार्डी रह चुके हैं आदिल जी प्लीज आइए, आदिल जी आप भी आ जाइए, जिसका भी अवार्ड रह गया है वो स्टेज पर आ जाएं। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो और जितने भी अवार्डीज हैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम की सबसे ज़्यादा बधाई जाती है हमारे अली जी को, अंजू जी को, नेहा जी को, पूरी टीम को जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ, कई दिनों की मेहनत के साथ
रातों की नींद भी उड़ाई होगी, दिन का चैन भी खोया होगा, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी होगी। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस पल में शामिल होने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरती जी हमारे बीच मेकअप आर्टिस्ट हैं, देर से आई, पर देर से नहीं आई, ये पीछे बैठी हुई थी, तो इनको भी ये सम्मान से सम्मानित करते हैं। आरती जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारी गर्ल्स ऊपर आ जाओ, महिलाओं की एक साथ ग्रुप फोटो हो जाएगी, प्लीज सारे जितने भी बैठी हैं सब आ जाइए, मैम प्लीज सारी महिलाएं आ जाइए, ग्रुप फोटो करवाना है, प्लीज बैठिए मत, कोई आई नहीं, हमारे देश की शान महिलाएं, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, रही सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से, आपने मुझे इतना कीमती वक्त आपने निकाल के मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अगर दो मिनट के कुछ कहेंगे तो आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, सर बस दो मिनट के लिए, बस सर हमारे लिए है। नासिर के लिए, जाकिर नहीं है, अभी नहीं है, श्याम जी।